एक हरे भरे जीवंत जंगल में फेलिक्स नामक एक चतुर लोमड़ी और लियो नामक एक घमंडी शेर ने एक अप्रत्याशित दोस्ती की। साथ में वे जंगल में घूमते थे। हर दिन नए रोमांच और चालाक योजनाओं से भरा हुआ। फेलिक्स अपने तेज दिमाग और तेज बुद्धि के साथ दोनों का दिमाग था, जबकि लियो अपनी शाही उपस्थिति और ताकत के साथ ताकत प्रदान करता था। एक धूप भरी दोपहर जब वे नदी के किनारे आराम कर रहे थे, फेलिक्स ने अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ लियो की ओर रुख किया। लियो, मेरे दोस्त, आज हम कुछ मौज मस्ती क्यों न करें? मेरे पास एक योजना है जिसमें हमारे जंगल के पड़ोसी एली हाथी और डॉन गधे शामिल हैं। लियो के कान दिलचस्पी से खड़े हो गए। तुम्हारे दिमाग में क्या है? फेलिक्स ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, हम उन पर एक हानिरहित चाल चलेंगे, बस ये देखने के लिए कि वे थोड़ी उलझन को कैसे संभालते हैं। यह उनकी बुद्धि का एक दिलचस्प परीक्षण होगा। लियो ने हमेशा थोड़ी मस्ती के लिए तैयार रहते हुए हंसते हुए कहा, ठीक है फेलिक्स, क्या योजना है? फेलिक्स ने लियो के कान में अपनी योजना फुसफुसा दी और जल्द ही वे एली और डॉन को खोजने निकल पड़े। उन्हें दूर तक देखने की जरूरत नहीं थी। दोनों एक घास के मैदान में शांति से चर रहे थे, दोपहर की गर्म धूप का आनंद ले रहे थे। गुड डे एली, गुड डे डॉन, फेलिक्स ने उन्हें खुशी से बधाई दी। एली ने दोस्ताना सलाम में अपनी सूंड उठाई और डॉन ने स्वीकृति में अपने कान फड़फड़ाए। नमस्ते फेलिक्स, नमस्ते लियो, उन्होंने एक स्वर में कहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? एली ने पूछा। उसकी आवाज उसके व्यवहार की तरह ही कोमल थी। फेलिक्स ने अपनी सबसे मासूम अभिव्यक्ति दिखाई। ओह, हम अभी जंगल में गहरे में खोजे गए एक अद्भुत नए फल के पेड़ के बारे में बात कर रहे थे। फल ऐसे हैं जो हमने पहले कभी नहीं चखे हैं। हमें लगा कि शायद तुम्हें इन्हें आजमाना पसंद आएगा। एली की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। एक नया फल का पेड़, ये बहुत बढ़िया लगता है। डॉन, जो हमेशा एक नए अनुभव के लिए उत्सुक रहता है, ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ, हमें रास्ता दिखाओ। फेलिक्स और लियो ने एली और डॉन को घुमावदार रास्तों और घने झाड़ियों से होते हुए आगे बढ़ाया, जिससे यात्रा लंबी और रहस्यमयी लगने लगी। अंत में वे एक ऐसे समाशोधन में पहुंचे जिसके बीच में एक अनोखा पेड़ था। इसकी शाखाएं चमकीले रंगीन फलों से लदी हुई थीं, जो सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। ये रहा, फेलिक्स ने जोर से घोषणा की, पौराणिक मूर्खों का फल। एली और डॉन ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। मूर्खों का फल? डॉन ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा। हाँ, लियो ने कहा, अपना चेहरा सीधा रखने की कोशिश करते हुए। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस फल को खाएगा उसे जंगल का ज्ञान प्राप्त होगा। एली, हमेशा सतर्क रहने वाली, हिचकिचाए, क्या आपको यकीन है कि यह सुरक्षित है? फेलिक्स ने गंभीरता से सिर हिलाया। बिल्कुल, लियो और मैंने इसे पहले ही आजमा लिया है।
ये पूरी तरह से सुरक्षित और काफी स्वादिष्ट है। अपने दोस्तों से आश्वस्त होकर एली और डॉन ने एक एक फल उठाया और एक एक टुकड़ा खाया। जैसे ही उन्होंने चबाना शुरू किया, फिलिक्स और लियो ने एक दूसरे को खुशनुमा नजरों से देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये फल सिर्फ साधारण जामुन थे जिन्हें उन्होंने विदेशी दिखने के लिए रंगा था। अचानक एली और डॉन की आंखें चौड़ी हो गईं और वे बेतरतीब ढंग से बोलने लगे। उनके शब्दों का कोई मतलब नहीं था। वे समाशोधन के आसपास लड़खड़ाते हुए बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुरी तरह विफल रहे। फेलिक्स और लियो जोर से हंस पड़े और खुद को और रोक नहीं पाए। पकड़ा, फेलिक्स ने हंसी के दौर के बीच कहा। एली और डॉन रुक गए, उनकी उलझन एहसास में बदल गई। तुमने हमें धोखा दिया, डॉन ने बड़बड़ाया, हालांकि वह इस सब की बेतुकी बात पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। एली ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तुम दोनों असंभव हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पहले से बेहतर पता होना चाहिए था। फेलिक्स और लियो ने अपने दोस्तों को खड़े होने में मदद की, फिर भी हंसते रहे। ये सब मजाक में था, लियो ने कहा, कोई नुकसान नहीं हुआ। एली और डॉन भी हंसे, उनका उत्साह फिर से लौट आया। ठीक है, तुमने निश्चित रूप से हमारा दिन और भी दिलचस्प बना दिया है, एली ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। और इस तरह जंगल में हंसी की गूंज होने लगी जब दोस्त घर वापस लौट रहे थे। उनके रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए थे और एक अच्छी शरारत की खुशी से उनका उत्साह बढ़ गया था।